राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोयथ लाइव स्टॉक फार्म पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 10 मादा और एक नर से सुअर फार्म शुरू करने में कितना खर्चा आएगा। कई दिन से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला था, आप लोगों के भी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि 10 मादा पे आप एक वीडियो बनाकर दिखाओगे 10 मादा पे और कितना खर्च आएगा। तो मैंने पूरा एक एक खर्च उसमें जोड़ रखा है, तो आप बने रहिए भाइयों वीडियो में और मैं अभी आपको बताऊंगा कि 10 मादा और एक नर को हम अगर पालते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होता है और कितना हमें घाटा होता है। तो आइए भाइयों शुरू करते हैं वीडियो। ये 10 मादा से सुअर फार्म शुरू करने पे खर्च का पूरा डिटेल है, ये मैंने सब इसमें पहले लिख रखा है, ये सब मैंने इसमें पहले लिख रखी है। तो आप सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाइयों कि वीडियो को पूरा देखें, जब तक आप वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि पूरी डिटेल देखने के बाद ही वीडियो का पता चलता है कि वीडियो में क्या है कैसे नहीं है। तो आप वीडियो को पहले पूरा देखें, पूरा देखने के बाद ही आप जो भी है गलत या सही जो भी आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके भी इसमें बता सकते हैं कि आपने ये चीज गलत ली है ऐसे ली है, तो जो भी है आप बताइए। चलिए भाई शुरू करते हैं। ये आज का रेट है, मान लो अगर हम 10 मादा और एक नर लेके आते हैं तो गिल्ट जो है हमें गिल्ट महंगी मिलती है, इसलिए हम गिल्ट का जो रेट है वो 250 रुपये केजी का रेट हम लगाकर चलते हैं। अगर हम 90 केजी की एक मादा लेके आते हैं तो क्योंकि औसतन वेट 90 केजी पे ही सभी लोग प्रेग्नेंट मादा देते हैं, तो अगर हम एक महीने की प्रेग्नेंट मादा लेके आते हैं 90 केजी की तो हम उसका अनुमान रेट मान लेते हैं 250 रुपये केजी। अब 250 रुपये केजी हमें जो मादा मिलेगी और 90 किलो की वो मादा होगी तो हम 11 एक नर का भी उसमें यही रेट लगा देते हैं, यही वजन नर का भी, तो हमें हमारा जो टोटल वजन हुआ 90 किलो एक का और 11 हम जानवर लेके आएंगे तो 990 किलो टोटल वजन हमारा होता है। अब 990 किलो जो हमारा वजन होता है उसे हम 250 रुपये केजी के हिसाब से अगर जोड़ते हैं तो 247,500 रुपये के जो हम अपने जानवर लेके आएंगे वो 247,500 रुपये के हमारे फार्म पर आकर पड़ेंगे। अब दूसरा, 90 केजी वाले जानवर को जो हम फीड का जो खर्चा है, अब हम इसका फीड का कैलकुलेशन निकालेंगे तो जो हमें इसका फीड का जो खर्च पड़ेगा इन जानवरों का, तो 90 किलो वाले जो जानवर होते हैं 90 से 100 केजी उन जानवरों को फिनिशर फीड देते हैं हम, और फिनिशर फीड वाले जो होते हैं 90 केजी वाले उन्हें 1-2 केजी पर डे के हिसाब से दाना डाला जाता है। तो मान लो एक महीने की प्रेग्नेंट मादा हम लाए हैं तो 90 दिन, एक महीना रह गया, 90 दिन बाद वो हमारे यहाँ बच्चे देने वाले हैं, तो 90 दिन बाद जो हमारे यहाँ बच्चे देंगे तो उनका 90 दिन का हम फीड का कैलकुलेशन निकालते हैं कि 90 दिन में हमारे जो 11 जानवर हैं कितने फीड खाएंगे। अगर एक जानवर को हम 2 किलो रोज फीड देते हैं तो 90 दिन में 180 किलो फीड बैठता है, 90 × 2 180 किलो फीड बैठता है 90 दिन में। अब 180 × 10 जो हमारी 10 मादा हैं, तो अगर हम 180 दिन की 10 मादा का कैलकुलेशन निकालते हैं तो 1800 किलो फीड हो गया 10 मादा का हमारा। अब हमारे पास एक नर है, हमें नर को भी खिलाना पड़ेगा उनके साथ साथ ही, तो नर को जब हम खिलाते हैं तो 10 केजी जो हमने खिलाया, अब 180 केजी नर का फीड हुआ, 1800 केजी मादाओं का फीड हुआ, तो टोटल हमारा 90 दिन की जो फीड की वैल्यू आई वो 1980 किलो फीड हमारा 90 दिन में खर्च हुआ। 90 दिन के बाद 10 मादा जो हमारे पास हैं वे, कोई मादा 8 बच्चे देगी, कोई मादा 7 बच्चे देगी, कोई 10, कोई 12, तो हम एक 10 मादाओं का एक औसत रेट पकड़ लेते हैं 8 बच्चों का, तो 10 मादाओं से हमें
80 बच्चे मिलेंगे। एक मादा से हमने औसत 8 बच्चे का हिसाब लगाया तो 10 मादाओं से हमें 80 बच्चे मिलेंगे। अब ये जो 80 बच्चे हैं ये 45 दिन तक उन मादाओं का दूध पियेंगे, क्योंकि जो मादा से जो बच्चे हटते हैं वो 45 दिन बाद हटाए जाते हैं दूध से, तो 45 दिन तक ये उन मादाओं का दूध पियेंगे। तो हम 45 दिन का और एवरेज लगा लेते हैं कि 45 दिन में हमारा फीड का खर्च कितना होगा। तो ये जो टाइम है ये ऐसा टाइम है जिस टाइम मादा दूध पी रहे हैं, मादा का दूध पी रहे हैं बच्चे। तो हमने अभी नॉर्मल टाइम में 2 किलो के हिसाब से जो फीड दिया था इसे अब हम 2.5 किलो कर देंगे, ताकि जो मादा अपने बच्चों को दूध पिला रही है वो सूखे ना और उसमें दूध की कमी ना हो, तो हम उसे फीड जो है एक्स्ट्रा देंगे। तो 45 दिन में अगर हम एक मादा को 2.5 किलो फीड देते हैं तो एक मादा का 45 दिन का फीड का खर्चा 112.5 kg आता है। तो 112.5 kg एक मादा का 45 दिन का खर्चा आता है। अब इसी हिसाब से 112.5 kg गुणा 10 मादा हमारे पास है तो उनका अगर हम निकालते हैं तो 1125 kg फीड आता है 10 मादाओं में। अब एक नर है हमारे पास, नर का जो हम रेट लगाएंगे नर का 2 kg के हिसाब से लगाएंगे, एक दिन में 2 kg पर डे के हिसाब से, तो उसका 45 दिन का 90 kg बन रहा है, 10 मादा का बन रहा है 1125 kg, एक नर का बन रहा है 80 kg, तो 11 जानवरों का टोटल मिला के 1215 kg फीड होता है। ये 45 दिन का जो होता है वो टोटल मिला के 11 जानवरों को 1215 kg फीड होता है। भाइयों वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। मैंने एक एक चीज बिल्कुल नोट करके जो मैं अपने फार्म पे कर रहा हूँ वो मैंने इस चीज में इसमें दिखाई है, आपको पूरी सही जानकारी दी है। अगर कोई आपको जानकारी में कोई दिक्कत लगे या अगर लगे कि मैं कोई जानकारी गलत दे रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट या मेरा नंबर आप मैं हर वीडियो में डालता हूँ तो कॉल करके या कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अब जो 90 केजी से सभी हमारे जानवर ऊपर हैं तो इनका जो इन्हें हम सब फिनिशर फीड देंगे। तो मैंने कई सारी कंपनियों के रेट ट्राई किए हैं तो किसी कंपनी का 30, 31, 32, कुछ कंपनियों का 34 तक भी रेट है पर केजी फिनिशर का। तो हम एक बीच का रेट उठा लेते हैं, 31 रुपये पर केजी। तो इन्हें सब फिनिशर देगा 31 रुपये पर केजी का, हमने बीच का रेट मान लेते हैं कि बीच का हम 31 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है हिसाब जोड़ेंगे। अब हम हिसाब जोड़ते हैं, शुरू के जो 90 दिन में हमारा फीड का जो खर्चा आया था वो आया था, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, 1980 किलो फीड खर्च हुआ। अब हम उसे 31 किलो के हिसाब से लगाते हैं तो 31 रुपये किलो के हिसाब से लगाते हैं तो 63,380 रुपये का फीड खर्च होता है। अब अभी जो 45 दिन का मैंने बताया था 1215 kg फीड, अब इसे भी अगर हम 31 किलो के हिसाब से लगाते हैं तो ये बैठता है 37,665 रुपये का। ये मेरे पास पूरा पर्चा है, मैंने इसमें सब चीज लिख रखी है ताकि कोई चीज गलत ना हो। अब कुल खर्च, अब यहाँ तक का हम पहले पूरे फार्म का कुल खर्च जोड़ लेते हैं एक बार। कुल खर्च जैसे हम 11 जानवर लेके आए, 11 जानवर हमारे आए, एक जानवर का जो वेट था वो 90 केजी था, एक जानवर का जो 1 किलो का रेट था वो 250 रुपये पर केजी हमने एक वेट पकड़ा था उस हिसाब से। तो जानवर आए हमारे 247,500 रुपये के, 90 दिन में जो खर्चा आया वो आया 61,350 रुपये का। अब बच्चे यहाँ तक बच्चे दे दिए, बच्चे देने के लिए 45 दिन जो बच्चों ने दूध पिया उन उसका खर्च आया 1215 kg, तो उनको आए 37,665 रुपये का। यहाँ तक 346,545 रुपये का खर्च आया और अभी फार्म पर कोई भी किसी भी तरह की इनकम अभी शुरू नहीं हुई है। तो भाइयों मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। आप अपना फार्म शुरू होने से पहले या अपना फार्म खोलने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को स्किप नहीं करें। एक एक चीज इसमें बिल्कुल सच होने वाली है, जो चीज मेरे सामने मैं अपने फार्म पे कर रहा हूँ उस हिसाब से मैंने आपको पूरे एक एक चीज का कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। अब एक बच्चा 100 किलो प्लस तक होने में, एक कुंटल प्लस होने में 1 किलो बच्चा अपने पूरे जीवन काल में 20 किलो स्टार्टर फीड खाएगा, 60 किलो ग्रोवर फीड खाएगा,
और 200 किलो फिनिशर फीड का आएगा। ये 280 किलो फीड का कैलकुलेशन बैठता है और ये 280 किलो फीड खाकर 101% 100 केजी प्लस हो जाएगा। बहुत सी कंपनियां तो 260 केजी में ही 100% बताती हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूं कि 280 केजी में आपका 100% 100 केजी प्लस हो जाएगा। अब जो आगे को, अब मैं यहाँ से जो रेट लेता हूँ, मैं रॉयल ग्रीन कंपनी के रेट ले रहा हूँ और आपको रॉयल ग्रीन कंपनी का मैं इसमें रेट लिस्ट भी डाल दूंगा। तो जो स्टार्टर है, स्टार्टर के जो रॉयल ग्रीन के रेट हैं वो हैं 43.80 रुपया। तो 20 किलो फीड 43.80 रुपया के हिसाब से 876 रुपये का बना। अब 60 किलो ग्रोवर खाएगा तो 60 किलो ग्रोवर जो है, 60 किलो ग्रोवर ग्रोवर के रेट है 37.80 रुपया, तो ये बना 2268 रुपये का। अब 200 केजी फिनिशर खाएगा तो फिनिशर के जो रेट है वो है 31.80 रुपया, तो 6360 रुपये का फिनिशर खाता है। तो 280 केजी फीड खाकर, और अगर हम इसे पैसों में कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो 9504 रुपये का फीड खाकर एक बच्चा 100 केजी का हो जाएगा। अब ये एक बच्चे का कैलकुलेशन, अब हमारे पास कितने बच्चे हैं, 80 बच्चे, तो हम उन 80 बच्चों का कैलकुलेशन निकालते हैं कि एक बच्चे ने जब 9405 रुपये का फीड खाया, 4 रुपये का, तो हमारे पास 80 बच्चे हैं, तो इन 80 बच्चों ने फीड, इनका फीड का रुपये बैठेंगे 760320 रुपये। 760320 रुपये का फीड खाकर ये 80 बच्चे 100 केजी प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, जब तक बच्चा 100 केजी प्लस का हुआ या होगा तो उस टाइम पीरियड में जो हमारे मादाओं पे खर्च आने वाला है उसका क्या होगा। अब हमने कहाँ तक हिसाब जोड़ लिया, 90 दिन हम मादा लेके आए, 90 दिन हमने पाली वो भी जोड़ लिया, बच्चे दिए और बच्चे हमने 45 दिन तक दूध पे रखे वो भी हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद का जो मादाओं पे खर्च होता है, तो एक मादा अगर बच्चे जब दूध से छूटने के 5 दिन के अंदर अंदर दोबारा हीट पे आ जाती है और वो प्रेग्नेंट दोबारा हो जाती है 5 दिन के अंदर अंदर, तो हम इन पूरी 10 मादाओं के लिए पूरा सर्कुलेशन टाइम 15 दिन का मानते हैं कि 15 दिन का हम और फीड क्रॉस जोड़ लेते हैं, 15 दिन में सभी मादा हमारी दोबारा से क्रॉस हो जाएगी दोबारा से। तो एक मादा को हम फिर दोबारा से 2 किलो के हिसाब से फीड देंगे और एक मादा को 2 किलो फीड देंगे, तो 15 दिन का एक मादा पे 30 केजी फीड बैठता है। तो 10 मादा का 300 केजी फीड बैठेगा। एक हमारे पास नर है, जो नर हम जिस नर को सुबह शुरू से दाना डालते आ रहे हैं, अब उस नर का इन 15 दिन में काम था जो इसने क्रॉसिंग की, तो अब हम उसे भी 2 किलो लगाएंगे तो उसका 2 किलो के हिसाब से 30 किलो बैठ रहा है। तो 15 दिन का 11 इन जानवरों का 330 केजी फीड बैठता है। अब जो 330 केजी जो इनका फीड बैठता है, तो 31.80 रुपये के हिसाब से जो इनका फीड हुआ वो 10,494 रुपये का इनका फीड होता है। 330 केजी गुणा 31.80 पैसे के हिसाब से 10,494 रुपये का इनका फीड बैठता है। अब हमारी जो मादा है वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट होने के बाद इस पे हमें क्या करना है कि अब हमें जो बच्चे देने का जो दोबारा जो टाइम है वो 115 दिन में ये हमें बच्चे दे देंगे। अब एक मादा को हम 2 किलो के हिसाब से 115 दिन फीड खिलाएंगे तो उसका फीड बैठता है 230 किलो। 2 किलो रोज के हिसाब से 115 दिन अगर हम फीड खिलाते हैं तो 230 किलो एक मादा का फीड बैठता है। हमारे पास 10 मादा है, एक नर है, तो इन 11 का 230 किलो के हिसाब से 2530 केजी फीड बैठा और इसका 31.80 के हिसाब से 80,454 रुपये का ये फीड बैठता है। ये हम अब उस कैटेगरी कंडीशन तक पहुंच गए जब दोबारा हमारी मादा बच्चे देने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें फार्म खोलने हुए कितना टाइम हो गया, 90 दिन जब हम लेके आए पहली बार बच्चे दिए, 45 दिन जो हमने बच्चों को दूध पिलाया, 15 दिन जो हमारा क्रॉसिंग एक पीरियड रहा और 115 दिन जो दोबारा एक टर्नओवर ब्याने का जो सर्कुलेशन रहा इन मादाओं का, तो 265 दिन हमारे फार्म को यहाँ तक हो जाते हैं और लमसम ये होते हैं हमारे 8.5
9 माह के आसपास का टाइम होता है। फार्म खोले हमें 8.5 माह से ज्यादा का टाइम हो गया इस हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ तक हम अपना काउंट करते हैं कि हमें कितना नुकसान और कितना फायदा यहाँ तक हुआ, तो ये जोड़ते हैं। अब हम पूरा शुरू से आपको जोड़ के बिल्कुल बताता हूँ, ये आप यहाँ बराबर में आप देखना, बिल्कुल आपको एक एक चीज में जोड़ के बताता हूँ, ठीक है। फार्म हमने खोला, फार्म पर हम जानवर लेके आए, एक जानवर का वजन 90 किलो था, उसका 250 रुपये किलो हमने खरीदा था, तो 11 जानवरों का जो वजन हुआ वो 990 किलो हुआ, 250 रुपये किलो हमने खरीदा, तो बराबर ये हमारे रुपए हुए 2,47,500। 90 दिन हमने जो फीड कॉस्ट फीड खिलाया, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया, आप एक डायरी में भी नोट कर सकते हैं, एक एक चीज में आपको सच बताऊंगा, आप बिल्कुल देखते रहना, एक एक चीज सच बताऊंगा, ये आप बराबर में यहाँ पर देखते रहना, एक एक चीज सच बताऊंगा और आप नोट कर लें, ये वही कैलकुलेशन है जो मैं नंबर पहले दे चुका हूँ। 1980 किलो 90 दिन का फीड बैठा, 31 के हिसाब से 61,380 रुपये बैठते हैं, फिर 45 दिन का फीड 1215 केजी बैठा, 31 के हिसाब से 37,665 रुपये बैठते हैं, 15 दिन का 330 केजी बैठा, 31 के हिसाब से 10,494 रुपये बैठते हैं, 115 दिन के दोबारा फिर फीड बना, 2530 किलो फीड बैठा, 31 रुपये 80 पैसा के हिसाब से 80,454 रुपये बैठते हैं। 80 बच्चों का जो वजन है, 80 बच्चों का जो पूरा खर्चा है वो यहाँ हम जोड़ लेते हैं, 9,405 रुपये का एक बच्चे पे खर्चा आया, गुणा 80 बच्चे पे 7,60,320 रुपये का खर्चा आया। अब ये जो पूरा जो कैलकुलेशन है ये है, ये हमारा बैठता है 11,97,813 रुपये, मोटा मोटा हम 12 लाख रुपये से पकड़ लेते हैं कि हमें 12 लाख रुपये का खर्च आया। अब हमारे पास माल जो हम सेल करेंगे वो क्या, माल हमारे सेल करने के लिए हमारे पास होते हैं 80 बच्चे, एक बच्चे का वजन 100 केजी प्लस है, हम ओनली 100 किलो मानते हैं एक बच्चे का, तो एक बच्चे का हमने 100 किलो वजन माना, तो 80 बच्चों का 8000 केजी वजन होता है, यानी कि 80 कुंटल 8 टन वजन होता है ये हमारा। अब 8000 केजी जो 80 कुंटल हमारा माल होता है वजन, हम आज का जो हमारा रेट चल रहा है वो चल रहा है 205, 210, 215, हम सबसे कम रेट पे मान के चलते हैं 200 रुपये केजी के हिसाब से ये हमारा माल बैठता है 16 लाख रुपये का। अब 16 लाख रुपये का जो हमारा माल बैठता है, इस 16 लाख रुपये के माल को हम जो हमारा खर्चा आता है वो 12 लाख रुपये का आता है, 12 लाख के खर्चे में से 16 लाख कम में से 12 लाख कम करने के बाद 4 लाख का प्रॉफिट बैठता है हमें यहाँ तक के टाइम में। अब बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ये तो बहुत कम है। अब मैं आपको प्रॉफिट बताता हूँ, असल प्रॉफिट क्या है, इसमें कोई दवाई इंक्लूड नहीं है, कोई लेबर कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, कोई लाइट, कोई इलेक्ट्रिशियन, कुछ भी इंक्लूड नहीं है इसमें, ना बिल्डिंग का पैसा इंक्लूड है। अब प्रॉफिट क्या होता है, 4 लाख प्रॉफिट आपको ये बचा, प्लस जो 2.5 लाख के आप जानवर लेके आए थे, 2.5 लाख के जो आप जानवर लेके आए थे, 11 के 11 जानवर, वो आपको प्रॉफिट बचा, क्योंकि उनकी इनकम, उनकी जो कॉस्ट है आपने इसमें इंक्लूड कर ली, तो 11 जानवर का पैसा वो बचा। जो आप उस टाइम 2.5 लाख के जानवर लेके आए थे, अगर आज उनकी आप कीमत लगाओगे तो 3 से 3.5 लाख रुपये होगी, क्योंकि उनका वेट आप 90 किलो के हिसाब से लाए थे, अब उनका वेट 1.5 के आसपास हो चुका होगा। अब दूसरी बात के दूसरे बैच के हम पे 80 बच्चे तैयार, 80 बच्चे हम पे तैयार हैं, जो हमारे यहाँ हमारे दूसरा बैच पे आ गया है वो 80 बच्चे हमारे पास तैयार है, वो भी हमारा प्रॉफिट है। तो ये हमारा प्रॉफिट है, ये जो जेन्युइन ये मैंने प्रॉफिट बताया है, जो प्रॉफिट किसी किसान भाई को होने वाला है। तो भाइयों, 10 मादा और एक नर से जो भी भाई फार्म शुरू करेगा वो इसी पैटर्न पे उसे प्रॉफिट होगा, कुछ 19-20 हर किसी में होता है, प्लस भी हो सकता है 10-20-50 हज़ार रुपये, और इसमें माइनस भी हो सकता है, लेकिन ये मैंने आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी दी है। अगर आप इस लाइन में काम करना चाहते हैं और इस लाइन में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आएगी, ठीक है भाइयों। बने रहें आप मेरी वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, और आप वीडियो शेयर नहीं करते ना ही आप लाइक करते हो, आप वीडियो शेयर करो ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा और मोटिवेशन मिले, मैं आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो ऐसी बना के आपको दिखाऊं, ठीक है भाइयों। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को
शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय जवान जय किसान।